ऑलरेडी गाइस, ऐसा है कि प्लान में थोड़ा सा चेंज है, ट्विस्ट है, और वो ये कि मैं अभी एक नियरेस्ट बस स्टॉप पे उतरा हूँ जो कि JR लाइन को लगती है और ये मुझे ओसाका लेके जा सकती है इस वक्त। तो कासल जो है मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, लेकिन फिर भी आप इसे अपनी आइटनरी में ज़रूर रखना अगर मैं इसे आज नहीं देख पाता। भाई ऐसा है कि बुलेट ट्रेन लेने की बजाय जो कि ज़्यादा महंगी पड़ेगी, 570 की जो है मुझे टिकट पड़ रही है लोकल ट्रेन की, जो कि मुझे 40 मिनट में पहुँचाएगी। तो मतलब 14 मिनट पहुँच के क्या करना है, 40 मिनट भी ठीक है। तो फटाफट से लोकल टिकट जो है, लोकल ट्रेन की टिकट जो है वो लेते हैं। गाइस, तो हम पहुंच गए हैं ओसाका स्टेशन और लगभग बस 40 मिनट लगे हैं ओसाका पहुंचने में। एंड आई कैन इमेजिन कि व्हाट दिस प्लेस इज़ ऑल अबाउट, इट्स वेरी मच लाइक टोक्यो। तो लेट्स गेट डाउन, बाहर निकलते हैं फटाफट से और ओसाका सिटी को आज एक्सप्लोर करते हैं। लो जी, जर्नी शुरू हो गई ओसाका की। अब ट्रेन पकड़ के, लोकल ट्रेन लेके सबवे से निकल रहा हूँ। सबवे टिकट लेके मैं जाऊंगा ओसाका सिटी में, और ख़ास तो जो मेन जो जगह है अट्रैक्शन देखने वाली, नाइट लाइफ के लिए जो पॉपुलर है, वो हम देखने जा रहे हैं आज। I think one of the busiest stations I've ever seen in Japan so far. वेलकम टू ओसाका गाइस, ये एक और टोक्यो है। मतलब क्योटो में मैं बोर हो गया था थोड़े टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा क्वाइट है। पर नाउ वी कैन सी सम ऑफ द एक्शन हियर एंड इट्स द राइट टाइम टू बी हियर। तो बहुत अकलमंदी करी कि पहले मैंने अब ओसाका का रख लिया प्लान, वेरी नाइस। और अब देखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है मेरे मैप के हिसाब से। तो मैं जा रहा हूँ दोतोनोबुरी, यहाँ से शाम का खूबसूरत नज़ारा ओसाका सिटी का, माइंड ब्लोइंग। मुझे बिल्कुल सीधा निकल के आगे से राइट जाना है, जो मेरा मैप मुझे रास्ता दिखा रहा है। फाइनली आई एम ऑन ट्रैक। अब मेरे लिए जो चैलेंज है नेक्स्ट, वो ये है कि मुझे किस तरीके से कोई स्टेशन पकड़ना है, JR लाइन लेनी है और ट्रेन पकड़ के वापस क्योटो जाना रात को। अभी के लिए मतलब कि मैं आपको बता दूँ कि मैं बुलेट ट्रेन लेने लगा था, जिसका किराया ऑफ कोर्स INR के अंदर कुछ 750 रुपये आपको पड़ जाता है और 12 या 14 मिनट में आपको पहुँचा देती है।
लेकिन अभी मैंने रास्ते में देखा कि लोकल ट्रेन भी मिलती है और वो सिर्फ 40 मिनट लेती है पहुँचाने में, तो इट इज़ वेरी मच लाइक ट्रैवलिंग विद इन दिल्ली एंड NCR रीजन. तो क्योटो से बाहर निकल के आई मीन दिस इज़ मच बेटर. और उसके बाद लोकल ट्रेन लेने के बाद 40 मिनट के बाद मैंने दोबारा जो है ओसाका सिटी की जो लाइन है वो पकड़ी और फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ. एंड दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग एरिया ऑफ द सिटी, इन द सिटी ऑफ ओसाका. This city has a lot of action. Best decision ever coming at this time. शाम का वक्त और ओसाका की lights. My God. मुझे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा निकलेगा. हालांकि इसके बारे में अभी मैंने पढ़ा था बहुत, फिर भी मुझे लगा कि शायद क्योटो जैसा ही होगा या कुछ एक मेन एरिया होगा जो कि हैपनिंग होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए. एंड दिस इज़ द मेन, दिस इज़ द हार्ट ऑफ द ओसाका सिटी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस वक्त और अपना अच्छा टाइम काट रहे हैं. तो कैसी लगी आपको इस जगह की वाइब? मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे. ओके, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब लेट्स गो अक्रॉस द ब्रिज. आई मस्ट टेल यू वन थिंग हियर, मुझे सड़कों पे यहाँ सिगरेट के बर्ड्स, गिरे हुए कागज़ मिल रहे हैं. मतलब आई डोंट नो व्हाई, ये इतना बिजी सिटी है, परहैप्स दैट्स द रीज़न. लेकिन आई एम सरप्राइज कि यहाँ पे सफाई तो है, एट द सेम टाइम लोगों ने चीज़ें बहुत गिरा रखी, फैल रखी हैं. तो आई डोंट नो व्हाई, बट जो भी है, आज की शाम ओसाका के नाम. यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बिजी रोड है और इतने लोग हैं आप सोच नहीं सकते. उसके बावजूद भी इतनी अगर सफाई मेंटेन करके रखते हैं लोग, ये एक अच्छी बात है. Across the bridge, मतलब दोनों तरफ ही आप देख लीजिए malls हैं बहुत बड़े and बहुत सारे, मतलब कि you know ऐसे brands हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे. Let's get lost in the city, in galiyon mein jahan chakachon roshni hai. Oh my god, look at that, itne log, itni bheed. Japan is open guys. Yeah.
So a lot of places, a lot of shops to shop around. रोज़मर्रा की चीज़ें भी मिलती हैं और बीच में बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम्स भी हैं यहाँ पे, और ये दोनों तरफ है जैसे मैंने आपको बताया, तो दोनों को एक्सप्लोर ज़रूर करना। और मुझे नहीं लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलने की ज़रूरत है, बट या दे आर मेनी एलीज हियर। आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट बहुत सुंदर स्ट्रीट फूड के लिए। I'm going straight. Thank you.